Ozi. Oh my God, baby. I love you so much. ये देखो क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए. You will love it. Fauzi, taking a shower for me. पांच बज के 42 मिनट और 30 सेकेंड. Fauzi! अरे आज आप जल्दी आ गए. कौन कौन आया था यहाँ पे मेरी गैर मौजूदगी में? कोई नहीं आया था. क्यों, क्या हुआ? तुम ज्यादा मासूम मत बनो. अरे तुम मैंने तुम्हें... You are hurting me. बार तुमने कहा यहाँ पे आया कौन था? मेरे हाथ छोड़ो. मना किया मैं तुम्हें यहाँ पे कोई ना आया करे. और मैं जा रही हूँ. कहाँ जा रही हो तुम? मेरी बात का जवाब दो. तुम कौन आया था मैं पूछूं? मैं कह रहा हूँ बोलो कौन कौन आया था यहाँ पे? बोल मुझे. मैं आज तुम्हें छोड़ूंगा नहीं. छोड़ूंगा नहीं. नहीं करो. छोड़ूंगा नहीं. मैं छोड़ूंगा नहीं. तुम जा. कौन आया था? क्यों छुपाया मुझे तुमने? क्यों छुपाया?
चुप क्यों कर गई हो? जवाब तो बोलते क्यों नहीं हो? छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया तुमने। सिर्फ यही पूछा था ना कि कौन आया था। अच्छा, इधर ही पूछूंगा मैं तुमसे बस। बस बस उठो उठो, हाँ चेंज करो, बाल ठीक करो अपने। सेलिब्रेट करना था यार, आज तो सेलिब्रेट करना था। मैं पूरे घर की घड़ियां खुद पीछे करके गया था। अभी 40 मिनट बाकी है ना, हाँ पूरे 5:42:30 पे सेलिब्रेट करेंगे हम। वो मैं अवन में तुम्हारे लिए पास्ता छोड़ के आया था, वो गर्म हो गया है। अब मैं पास्ता सजाऊंगा, कैंडल्स ऑन करूंगा, हम दोनों बैठ के खाएंगे। उठो तो फौजी, बात करो। मैंने कहा पूछो कौन है, उठो। तुम्हें सुना नहीं था मैं क्या कह रहा हूं? कौन? सलाम साहब। कौन हो? बीबी जी को बताया कि अखबार वाला आया है। क्या क्या काम है? वो सर बिल देकर गया था, उनके पास कोई मेहमान बैठा हुआ था। वो कह रहे थे कि थोड़ी देर बाद आना, घंटे बाद बिल ले जाना। मेहमान कौन? बुक शेल्फ के ऊपर पड़े मेरे ग्लासेस के नीचे, 460 रुपए। रुको, ये 460 रुपए पूरे। शुक्रिया साहब जी, अल्लाह हाफिज। मेहमान दरअसल तुमसे यह बर्दाश्त नहीं होता कि मैं तुम्हारे अलावा कहीं और देखूं। तो तुमसे हो जाएगा बर्दाश्त? क्या? कि मैं कहीं और देखूं? तुमने चैनल क्यों बदल दिया? जो चैनल मुझे देखना होता है वो तुम बदल देती हो। अजीब बात है यार। अच्छा ठीक है, अजीब शक्लें मत बनाओ, देख लो जो देखना है। बदल लो। नहीं करो, गिव इट टू मी, मुझे दो प्लीज, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, चैनल नहीं चेंज करना। नहीं करो चेंज। एक मिनट, देखो देखो मैच, देखो कितने इंटरेस्टिंग पॉइंट पे, प्लीज चेंज नहीं करना। एक तो ये मैचेस शुरू होते हैं ना, तो तुम्हें ना दुनिया में किसी चीज का होश नहीं रहता। हाँ करो जाते हो। समझ गया असल मामला क्या है। दरअसल तुमसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि मैं तुम्हारे अलावा कहीं और देखूं। तो तुमसे हो जाएगा बर्दाश्त? क्या? कि मैं कहीं और देखूं? देखना तो दूर की बात, में तो सोच भी नहीं सकता। मेरा इंतजार कर रहे? नहीं नहीं, वो सर्दी नहीं लगेगी अब तुम्हें? हाँ
good girl. बाल कितने खराब है तुम्हारे, इतनी बार बोला मुझे ऐसे बाल अच्छे नहीं लगते। मैं खुद ही ठीक करता हूं इनको। कोई मिलेगा तुम्हें ऐसा शौहर हाँ जो इतना ख्याल रखता होगा तुम्हारा? कभी भी नहीं। कौन आ गया इस वक्त? बाल भी नहीं ठीक करने दे रहे मुझे। सुनो रुको, कहाँ जा रही हो? वो फौजी घर पे नहीं है। कोई जरूरी बात है क्या? क्या मतलब घर पे नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले तो मेरी उससे बात हुई है। शायद कोई आया हुआ था। आप घर पर अकेले हैं क्या? हाँ अकेला हूँ। वैसे वो बहुत लकी है। कौन? अरे भाई फौजी, एक औरत को जिस चीज की ख्वाहिश होती है उसे वो सब मिला है। क्या क्या मतलब? अरे मेरा मतलब है इतना शानदार घर, मोहब्बत करने वाला शौहर, जो इतना ब्रॉड माइंडेड और लिबरल है। ब्रॉड माइंडेड लिबरल से क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है कि जो उस पर इतनी टिपिकल पाबंदियां नहीं लगाता, शौहर की गैर मौजूदगी में उसके दोस्त उसको आ जाकर मिल सकते हैं। मेरा मतलब है मैं जब चाहे आकर मिल सकती हूँ। अब वो सामने वाली मारिया को ही देख लो, जब भी उसका शौहर ऑफिस जाता है बाहर से लॉक करके जाता है। बेचारी सारा दिन घर बैठे हाथ में रिमोट पकड़ के टीवी के आगे बैठी रहती है। वो अंदर टीवी चल रहा है, उसकी आवाज है। हाँ मुझे याद आया, मैं तो हेयर स्ट्रेट में लेने के लिए आई थी ना। हाँ रुक रुक, मैं ला के देता हूँ आपको, मैं यहीं पे ला के देता हूँ। जरूर अंदर कोई है जिसे ये छुपा रहे हैं। रिमोट क्यों गिरा दी नीचे? ये ने। ओके, ओके। लेकिन फौजी वो आएगी तो मैं बता दूंगा ना। थैंक यू। हाथ तुम्हारे बिल्कुल ना नेल पॉलिश के बगैर अच्छे नहीं लगते। ये कलर पसंद है ना तुम्हें? यही लगाऊंगा, खुद लगाऊंगा। इसको तो छोड़ो, हमेशा मैंने तुम्हें कहा कि मुझ पर एतबार करो, मुझ पर यकीन करो, और ये भी कहा कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम किसी और से मिलो, कोई और तुम्हें देखे। पता है ना इस बात का?
बस इतबार नहीं करती मुझ पर। हाथ क्यों हिला रही हो? अच्छी लगाऊंगा भी, देखना देखना। ओह सॉरी सॉरी डार्लिंग, एक्सपर्ट नहीं हूं ना, लेकिन फिर भी अच्छी लगाऊंगा। तो ये हमें लोग बहुत डिस्टर्ब करते हैं। पकड़ के रखो इसको। कौन आ गया है? कौन है भाई? हाय। अरे मेरा तो हेयर स्ट्रेटनर था, आपने मुझे ब्लो ड्रायर थमा दिया। लो, डिस्टर्ब करके रखा है मुझे, तंग करके रखा है इसने। आप जाइए, मैं लॉक करूं। दिल तो करता है कि आपको सब कुछ साफ साफ बता दूं। क्या क्या मतलब साफ साफ क्या बताना आपने मुझे? अब आपको पता चलेगा कि डिस्टर्ब होना किसे कहते हैं। कहना क्या चाह रही हैं? मेरे आने से आप दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं, जबकि डिस्टर्ब तो आपको किसी और के आने से होना चाहिए। Trying to say I treat you like a toy. मैं खिलौना समझता हूँ तुम्हें। जस्टिन, मैं तुम्हारे हाथ से गिर कर टूट गई ना, या तुमसे खो गई ना, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम जो इंसानों की तरह ट्रीट करते हो एक खिलौने की तरह। मुसीबत है, क्या बकवास है। कभी कोई कभी कोई कभी कोई, तंग आ गया। अजीब चीज है यार ये, तंग आ गया मैं इससे। क्या चीज पाल रखी है तुमने, हर वक्त यहां पे आ जाती बगैर पूछे। अरे दोस्त है मेरी, नेबर है हमारी। इसका वक्त बेवक्त आना मुझे जहर लगता है, स्वेयर। वक्त बेवक्त क्या होता है? आई मीन जब तुम घर पर होते हो वो वक्त होता है या बेवक्त होता है? एक्सप्लेन। वो मेरा वक्त होता है। और मेरा वक्त कौन सा होता है? मैंने तुम्हें कैद करके तो नहीं रखा, ना ही पिंजरे में बंद करके रखा है। तुम जब चाहो जैसे चाहो मिल सकती हो, जैसे चाहो बातें कर सकती हो, लेकिन जब मैं घर पे होता हूं तो ये मेरा वक्त है। अंडरस्टैंड? Behave like a child, बच्चों की तरह behave करते हो। क्या मतलब बच्चों की तरह? क्या मतलब? सुनो मैं तुम्हारी मलकियत में आने वाला कोई खिलौना नहीं जिसके टूट जाने या गुम जाने का तुम्हें खौफ है, छोटे से बच्चे की तरह। You're trying to say I treat you like a toy. मैं खिलौना समझता हूँ तुम्हें। जस्टिन, मैं तुम्हारे हाथ से गिर कर टूट गई ना, या तुमसे खो गई ना, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम जो इंसानों की तरह ट्रीट करते हो एक खिलौने की तरह। गलत एनालिसिस है तुम्हारा, कुछ भी नहीं होगा मुझे। अगर मैं तुम्हें खो देता हूं मुझे कुछ नहीं होगा। अरे चीखोगे चिल्लाओगे तुम्हें सिर्फ एक खौफ है मुझे खो देने का, जिसने हमारे प्यार को, रिलेशनशिप को, लव को ग्रो ही नहीं होने दिया। यू मीन कि शादी के बाद हमारा रिलेशनशिप ग्रो ही नहीं किया? आर यू सीरियस? 4 साल हो गए शादी को और तुम कह रही हो कुछ चेंज नहीं है, थोड़ा सा भी रिलेशनशिप मैच्योर नहीं हुआ? हाँ चाइल्डिश, दिस इज सो। देखो मुझे ये लगता है कि जिंदगी में जरूरतें बड़ी बेसिक होती हैं, और शादी के बाद शायद इंसान को रियलिस्टिक होना पड़ता है, आइडियलिस्ट नहीं हो सकता, वो प्रैक्टिकल होना पड़ता है। क्रेजीनेस के साथ जिंदगी नहीं गुजर सकती, टाल मटोल बहानों के साथ और बहलावों के साथ जिंदगी नहीं गुजर सकती। क्या कह रही हो तुम?
क्या बोल रही हो? क्या और क्यों? मैं चुप हो जाती हूं। ये देखो, मैं बिल्कुल चुप हो गई, बिल्कुल चुप। ये किसका फोन है? ये अननोन नंबर? किस किस को नंबर दे रखा है तुमने? स्पीकर पे ऑन करता हूं, बात करो। ये बात सुन, मेरा ख्याल है वो घर पर है, इसीलिए तुम बात नहीं कर सकते। खैर, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि मेरी फ्लाइट अनाउंस हो चुकी है, बोर्डिंग कार्ड मेरे हाथ में है और मैं जा रहा हूँ। तुम्हारे साथ जितनी भी मुलाकातें रही बहुत यादगार रही। कौन आ गया है? इसको तो गला दबाऊंगा। बाद में बात करता हूं इसके बारे में आके मैं तुमसे। कौन है भाई? सर कोरियर सर। अबे कहाँ घुसे आ रहे हो? सर मिसेस फौजिया बहजाद यहीं पे होती है। हाँ हाँ यही है, बोलो क्या? सर ये पैकेट आया उनका और ये यहाँ पे साइन करने होंगे। पैकेट? अच्छा लो मैं साइन कर देता हूँ। सॉरी सर, उन्हें खुद ही करने होंगे। ये भेजा किसने और क्या है इसमें? सॉरी सर, मैं सेंडर का नाम नहीं बता सकता। अच्छा, वो बाहर नहीं आ सकती, वो बीवी है मेरी और ये मैंने ही अपने ऑफिस से भेजा है, मैं उसको सरप्राइज देना चाह रहा था। लो मैं साइन कर दूं। आई एम सॉरी सर, सेंडर ने खास तौर से इंस्ट्रक्शन की थी कि ये रिसीवर को खुद रिसीव करना चाहिए। वैसे सर मुझे इतना पता है कि इसमें कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है सर, हमारे चेकर ने अच्छी तरह चेक किया है। भाई वो इंस्ट्रक्शन मैंने ही दी थी ना, तो बस अब दो मुझे, मैं दे देता हूँ उनको। लो सर, मेरे पास क्या प्रूफ है कि आप ही सेंडर हैं? सर मेरी नौकरी है सर, मेरी तो ड्यूटी है ना सर, मुझे फर्ज अदा करने दीजिए। ठीक है सर, आप कहते हैं तो सच ही होगा। लो पीछे मुड़ो। थैंक यू सर। जाओ। सरप्राइज। क्या होगा इसमें? हाँ तुम्हें बहुत पसंद है। यू कैन गेस दैट। बाद में खोल के देखेंगे। एक बात तो जबरदस्त हुई है, बिल्कुल डॉट टाइम पे आया है। ये मैंने खुद बनाया अपने हाथों से तुम्हारे लिए, देख रही हूं। क्या करूं? आई लव यू सो मच। ये यहां रखना। I'm sorry, but देख लिया तुमने और पढ़ भी लिया।
سلام صاحب جی. وعلیکم السلام. معاف کرنا صاحب جی, آج دیر ہو گئی, راستے میں بڑی ٹریفک تھی. ہاں کوئی بات نہیں. رکو رکو, تم ایسا کرو, تم جاؤ, تمہاری چھٹی. میں کیوں جاؤں صاحب جی, اب آئی ہوں تو کام بھی کر لوں. تمہاری چھٹی, جاؤ. او پاگل لڑکی, رو کیوں رہی ہو؟ میرا مطلب ہے کہ آج تمہاری چھٹی, کل کام پہ آنا. اب مجھے اور بیگم صاحب کو کہیں جانا ہے, جاؤ. سب خیریت ہے نا صاحب جی؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ہر بات تمہیں بتانا ضروری ہے؟ ادھر کیا دیکھ رہی ہو تم؟ نکلو جاؤ. Good, bhai, very good. کیا ہوا, ہستی کیوں جا رہی ہو؟ حالانکہ سے تم نے میڈ کو پکایا ہے نا, really. ہاں بہت چک چک کر رہی, کتنا بولتی ہے, تم ہی نے سر پہ چڑھا کے رکھا اس کو. جیسے تم نے مجھے. کیا مطلب؟ جو لوگ ہمیں جانتے ہیں وہ تو یہی سمجھتے ہیں نا. کون, کیا کہتے ہیں؟ یہی کہ اتنی لبرٹی, اتنی چھوٹ, اتنی آزادی کس بیوی کے نصیب میں آتی ہے؟ اعتبار کرتا ہوں تم پر, اور سچ پوچھو تو جو لوگ اپنی بیوی پر بہت پابندیاں لگاتے ہیں ان کو دراصل اپنی وفا پر شک ہوتا ہے, بیوی کی وفا پر نہیں. اتنا اعتبار کرنا کہاں سے سیکھا تم؟ I'm sorry. But یہ دیکھ لیا تم نے, اور پڑھ بھی لیا. How to hunt for a husband in your mid-40s. Cosmetic surgery, wrinkle creams, laser treatment, bills, brochures. بہت کانشیس تھی نا وہ آخری عمر تک. میں جب بڑا ہوا تو میرا باپ انہیں چھوڑ کے جا چکا تھا, پھر میں نے دیکھا کہ میں ان کے پہلو میں ہوں اور وہ خود دلہن بنی ہوئی ہے. تو ابھی تک ان کے پہلو میں ہی بیٹھا. ماں کا لمس اور اس کی خوشبو ساری زندگی انسان کے ساتھ ہوتی ہے. یہ لمس اور خوشبو اگر خوف بن جائے نا تو قریب رہنے والوں کے لیے جیرن ہو جاتی ہے زندگی. ویسے مجھے تو لگتا ہے ابھی وقت ہے تھوڑا سا. کس چیز کا؟ ذرا آؤ دیکھو, ڈو آئی نیڈ سم تھنگ؟ لیزر کرا لیتی ہوں. دیکھو ذرا, ڈو آئی نیڈ کاسمیٹک سرجری, رکل کریمز, یا دیکھو سم لیزر اور سم تھنگ ہیئر, ادھر تھوڑا سا بتاؤ. اس قدر قریب ہو, بے حد قریب, اتنی قریب کہ مجھے صحیح سے دکھائی نہیں دیتی. زندگی میں صرف ایک بار تمہیں دور سے دیکھا ہے, وہ بھی جب پہلی بار دیکھا تھا, وقت بھی یاد ہے, 5:42 30 سیکنڈ. بس اس کے بعد کبھی دور سے نہیں دیکھا. پھر تم میری
इतने करीब हो के तुम ही तुम हो बस मेरे अंदर। खुद को आईने में देखता हूं तो तुम दिखाई देती हो, सिर्फ तुम। चलो मैं तुम्हें वहां ले जाता हूं, यहां खुद ही देख लूं, परेशान नहीं होना। मैं तुम्हारी जाती जिंदगी में दाखिलत नहीं करूंगा। साइन आउट करके आता हूं। डाउनलोड कर रही हो? समथिंग ब्यूटीफुल। ये लो, हो गया, सुनो। मुझे उसी लम्हे का तो इंतजार है जब एजाज को पता चलेगा। वही तो वो लम्हा होगा जब वो मेरे सामने इन द ट्रू सेंस एक्सपोज होगा। He will have nowhere to hide. वो छुप नहीं सकेगा। उसके पास और कोई रास्ता नहीं होगा सिवाय इसके कि वो अपनी What? क्या कह रही हो तुम? मुझे तुमसे नफरत करनी चाहिए। I should hate you. Why? क्योंकि नफरत ही साबित करेगी कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो या मोहब्बत करते भी हो या नहीं। क्या मतलब है इस बात का? क्योंकि सिर्फ ये मोहब्बत करते चले जाने से कुछ पता नहीं चलता। ये पैम्परिंग एंड ऑल दैट, इससे कुछ साबित नहीं होता कि जज्बों में कितनी सच्चाई है। लेट मी टेल यू, नफरत में असल चीज खुलकर सामने आती है। और मुझे तुम्हारी और अपनी रिलेशनशिप बहुत ही फेक लगती है भाई। देखो ना, वी हैव नेवर हैड अ रियल आर्ग्यूमेंट। कभी तुमने मुझे डांटा नहीं, कभी मुझे किसी बात पर रोका नहीं। कि ये मोमेंट सेलिब्रेट करना, गिफ्ट्स लाना, बात-बात पे, दिस इज ऑल सो फेक। अच्छा, यानी तुम कहना चाह रही हो कि तुम्हें यहाँ पे मेरे साथ घुटन महसूस होती है? मुझे लगता है कि मैं तुम्हें रियलिटी में ला ही नहीं सकी। एंड आई फील जेलस। जेलस ऑफ व्हाट? जेलस ऑफ हु? जिससे, जिसकी नफरत तुम्हारे आवाज़ों पर छाई रहती है, उससे। एक मिनट, तुम मेरी माँ की बात कर रही हो? हाँ, तुम उसे खोना नहीं चाहते थे ना, इसलिए तुम मेरे बारे में इतने इनसिक्योर हो। सोचो इस बारे में। ये बात मेरी और तुम्हारी हो रही है, इसमें मेरी माँ कहां से आ गई? मेरी माँ का क्या ताल्लुक है इसमें? बहुत गहरा ताल्लुक है। क्या क्या गहरा ताल्लुक है? मेरी माँ ने तो मुझे औरत का वो रूप मुतारिफ कराया जो बिल्कुल नया था। मैंने पहले कभी देखा ही नहीं, और ना ही मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। तुम वही मुझ में देखना चाहते? क्या वैसी ही औरत? क्यों देखना चाहूंगा मैं तुम्हें वैसी औरत? व्हाई? ताकि तुम उन जज्बात का इजहार कर सको जो अब तक नहीं कर सके। ये जो तुम्हारी वो दोस्त है ना सोनिया, उससे रोज मिलती हो ना, तो वही तुम्हारे जहन में उल्टी सीधी बातें डालती है। बात मेरी तुम्हारी हो रही है, ये सोनिया बीच में कहां से आ गई? हेलो। अरे तुम, अब लिसन। अच्छा, आज पहली बार मैंने कीमा बनाया तो सोचा तुम लोगों को भी चखा दूं। वाह भाई वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था।
मेरा जिक्र? What an honor. I hope अच्छे लफ्जों में हो रहा होगा. हाँ तो अब आई हो तो खाना खा के जाना बस. अब नहीं, मैं तुम दोनों मियाँ बीबी के दरमियान कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती. यू गाइस कैरी ऑन. लेकिन हाँ, मुझे फीडबैक जरूर देना. बाय. थैंक यू. खुशबू अच्छी आ रही है, मजे का होगा. लो ना. तुम ही खाओगे. मेरा कहने का मतलब यह है कि वो मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो मुझे अच्छा नहीं समझता. क्या वो तुम्हें इसलिए अच्छा लगता है? मैं कुछ समझी नहीं. तुम पागल तो नहीं हो गई हो? He thinks I'm a really bad person. एक ऐसी बीवी जो शोहर के होते हुए किसी और आदमी से मिलती है, हालांकि मैंने कभी उससे कोई फायदा उठाने की कोशिश नहीं की, कभी इस चीज को मिसयूज नहीं किया. बट ही थिंक्स दैट मैं बेवफा हूँ, चीटर हूँ, बहुत बहुत चलाक हूँ, अयार हूँ. अगर वो तुम्हें ऐसा समझता है तो फिर छोड़ दो उसे. किसी दिन बहजाद को पता चल गया तो? यही तो मैं चाहती हूँ कि उसको पता चले. क्या तुम ऐसा क्यों चाहती हो? तभी तो वो एक्सपोज होगा. क्या मतलब एक्सपोज हो जाएंगे? ये जो मर्द होते हैं ना, ये जब अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं ना और चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं तो उन्हें इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनकी बातों में कितना जज्बा मिल्कियत का है, अना और खुदगर्जी का है. मर्दों के लिए ये तीन चीजें, यही तीन चीजें मोहब्बत कहलाती हैं. इन्हीं तीन चीजों का मिलाप उनकी डिक्शनरी में औरत है. पोजेशन, ईगो एंड डिजायर. ओह माय गॉड, इतना मुश्किल फलसफा तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया. पता नहीं, या फिर तुम अपनी गिल्ट को सेटिस्फाई करने के लिए ये सब जस्टिफिकेशन ढूंढ रही हो. मुझे उसी लम्हे का तो इंतजार है जब एजाज को पता चलेगा. वही तो वो लम्हा होगा जब वो मेरे सामने इन द ट्रू सेंस एक्सपोज होगा. ही विल हैव नोवेयर टू हाइड. वो छुप नहीं सकेगा. उसके पास और कोई रास्ता नहीं होगा सिवाय इसके कि वो अपनी ट्रू असल फीलिंग्स का इजहार कर सके. उसका असली चेहरा मेरे सामने आएगा. अगर वो जेलस हो गया ना, इसका मतलब है वो आम मर्दों की तरह अपनी अना का गुलाम है और मुझसे मोहब्बत नहीं करता. उसे सिर्फ अपने शौहर होने से मोहब्बत है. और अगर वो जेलस नहीं होता और तुम्हें इजाजत दे देता है उसे मिलने की, तो इसका क्या मतलब होगा? ऐसी सूरत में वो मुझे पता ही नहीं चलने देगा कि उसे पता है. इग्नोर करेगा, चुप हो जाएगा. और अब इसका क्या मतलब होगा? कि उसे वाकई मुझसे मोहब्बत है. क्योंकि मोहब्बत तो जाने देने का नाम है. जिससे मोहब्बत होती है उसकी हर चीज को कबूल करना पड़ता है. बहुत मुमकिन है कि बहजाद जानता हो कि तुम दोनों के दरमियान कोई तीसरा भी है और वो इग्नोर कर रहा हो. तो फिर उसे समझ लेना चाहिए कि वो जीत गया और मैं हार गई. सुन रहा था और मुझे पता है किस तरफ इशारा था उसका. तुमसे प्यार करता हूं मैं तुमसे नफरत क्यों करूंगा? तुम पे गुस्सा थोड़ी निकालूंगा. मैं प्यार करता हूं.
ये